नमस्कार। राजस्थान सीईटी 2024 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर जानेंगे कि राजस्थान सीईटी 10+2 लेवल के यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, सिर्फ आपको बताएंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता, दिखाना ही पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे राजस्थान सीईटी 2024 का एडमिट कार्ड निकाल के आपके सामने रखा हुआ है, जो कि देख सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन कर लीजिए। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिए सरकारी उजाला या sarkariujala.com। स्पेलिंग है SARKARIUJALA, sarkariujala.com भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं। वैसे इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें, क्लिक करते सबसे फर्स्ट में मिलेगा sarkariujala.com की वेबसाइट। यहाँ पे देखिए वेबसाइट आ चुकी है। अब इसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हम होम पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए हम sarkariujala.com के होम पेज पर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इस पेज पे आने के बाद सबसे पहले ये जान लीजिए sarkariujala.com है क्या। sarkariujala.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट या एडमिट कार्ड या रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके इस वेबसाइट पे जानकारी मिल जाती है। फिलहाल होम पेज पे आने के बाद आप अपने बाएं साइड देखेंगे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड का सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पे सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है राजस्थान RSMSSB CET 10+2 एडमिट कार्ड 2024। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देख सकते हैं आपके एग्जाम का डिटेल लिखा हुआ है। फिलहाल हम डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड, तो इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में जाएंगे नीचे में। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड और सामने है क्लिक हियर का बटन। आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड के सामने क्लिक हियर का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आप इस पेज पर आएंगे। अब देखिए इस पेज पे आने के बाद सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024। आपको सामने यहाँ पे क्रिएट एडमिट कार्ड का एक बटन फिर से मिलेगा, आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस पेज पे आएंगे। अब आपसे दो डिटेल मांगे जाएंगे। सबसे पहले तो इसको प्री एग्जाम को ऑलरेडी रहने दीजिए, इसको आपको चेंज नहीं करना है। सेकेंड में आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, ठीक है, जो कि आपका एप्लीकेशन नंबर आपके जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय आपको फाइनल PDF मिला होगा, रिसिप्ट मिला होगा, उस रिसिप्ट पे ये मेंशन किया होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ कैसे भरना है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल जाएगी। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ का। मान लीजिए आपका जन्म तिथि 4/5/2003 है, तो 2003 देख लीजिए कहाँ पे है, इसको चुन लीजिए यहाँ से। 5 यानी कि मई और 4, ठीक है, 4/5/2003 आ गया। इस तरह से आप ये दोनों भर देंगे। फिर कैप्चा भरना होगा, ये 355855 ये दिख रहा होगा, ये रेंडमली चेंज होता है, तो आपके सामने कुछ और दिखेगा, मेरे सामने कुछ और दिख रहा है, तो हम यही डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों सभी डिटेल भरने के बाद यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड का बटन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं डिटेल भर के, और फाइनली जैसे इस पर डाल के क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एडमिट कार्ड निकल के आ जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। जो एडमिट कार्ड शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर, आपका ID नंबर, आपका जेंडर, आपका जन्म तिथि, यहाँ पे बारकोड होगा, सारे डिटेल लिखेंगे, जैसे कि नाम, आपका पिता का नाम, आपका जो कैटेगरी है वो, आपका एड्रेस, आपका फोटो सिग्नेचर, यहाँ पे आपको एग्जाम का डेट और सेंटर नीचे लिखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं, नीचे में देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका परीक्षा का जो मोड है और कितने बजे कितने तारीख को एग्जाम है। इसके बाद सेंटर कहाँ आया हुआ है, इसके बाद सेंटर का नंबर, सेंटर का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं कितने बजे आपको रिपोर्ट करना है, सारे डिटेल लिखे गए हैं। अब इसको प्रिंट या सेव करने के लिए सबसे पहले ऊपर जाएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके बाएं साइड के कोना में एक प्रिंट का बटन बना हुआ है, आपको इसी प्रिंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो एडमिट कार्ड होगी वो आपकी प्रिंट करने के लिए पॉपअप खुलेगा या सेव करने के लिए पॉपअप खुलेगा। यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट कार्ड को, एडमिट कार्ड को अपने कंप्यूटर या मोबाइल में प्रिंट कर सकते हैं या फिर PDF फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो अभी जाइए sarkariujala.com के वेबसाइट पे और वहाँ पे जाके अपना CET 2024 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।